और वेरी स्वीट प्लीजेंट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे, क्योंकि यह जो है फिजिक्स का आपका 5 नंबर का पूरे दीर्घोत्तरीय में आता है आपका, तो इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानबे करते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, तो वह होता है 1/u + 1/v = 1/f, यह आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी को हम लोगों को यहाँ पे साबित करना है दर्पण सूत्र को। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, तो एक MN अवतल दर्पण है जिसका P यानी कि पोल है, ध्रुव है, उसके बाद में F फोकस है, मुख्य फोकस बोलते हैं जिसको, C वक्रता केंद्र हो गया, कर्वेचर रेडियस, और ये वाला जो है अनंत है। तो अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, चलिए यहाँ पे वस्तु डाल देते हैं वक्र वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो वस्तु है यह कौन सा वस्तु है, तो ए बी वस्तु है, ए बी यहाँ पे वस्तु हो गया। ओके चलिए अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो चलिए यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम लोग इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो यहाँ से ये चीज हो गया। अब चलिए हम लोगों को यहाँ से किरण गुजारना है, तो देखिए एक किरण तो निकलेगा यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो ऐसे यहाँ मुख्य फोकस से होकर के यहाँ से चली आएगी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिबिंब को बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ओके तो चलिए, क्योंकि जो वस्तु का साइज है उससे कम ही रहेगा प्रतिबिंब का साइज, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा हो गया। तो चलिए अब यहाँ से ये किरण ऐसे गई है और दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजरी है। अब देखिए एक किरण जो जाएगी वह कैसे जाएगी, तो वह जाएगी ध्रुव पर। चलिए दर्पण के ध्रुव पर भेज देते हैं, दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद में यह ऐसे आएगी, देखिए ये चीज ऐसे आएगी, तो यहाँ पर आके कट गया ये वाला। चलिए तो ये आपका एक किरण ऐसे गुजरिएगा, आप लोग ध्यान से मेरे साथ देखते चलिए कैसे कैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी बनाने हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया। अब यहाँ से चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक किरण गुजारेंगे वक्रता केंद्र से और वह वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी ऐसे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे एक किरण निकालते हैं। चलिए यहाँ पे वक्रता केंद्र को अभी साइलेंट रखते हैं, यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे, फिर ये दर्पण पर पड़ेगा और फिर यह लंबवत लौट जाती है। आप लोग नियम पढ़े होंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वह लंबवत होती है, किरण आरेख की रेखा लंबवत होती है। तो यह दर्पण पर पड़ने के बाद में लंबवत पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो किरणों की कटान बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यह जो है यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे प्रतिबिंब को हम लोग थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, ये प्रतिबिंब हो गया। ओके किरणों की कटान बिंदु यहाँ पे है, यहीं पे प्रतिबिंब बन गया। तो यह जो प्रतिबिंब है इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। ओके प्रतिबिंब का नाम हम लोग दे देते हैं क्या, ये ए बी वस्तु है तो ए बी का इसको मान लेते हैं हम लोग ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश ये वाला बी डैश। ओके चलिए यह चीज हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, चित्र आपका बन करके रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको साबित करना है। तो थोड़ा सा लिखेंगे भाषा, यहाँ पे लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है तथा वस्तु AB का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो A डैश बी डैश बनता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक क्या होता है, P से F तक के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो आइए सब चीज हम लोग बारी बारी से यहाँ पे लिखते हैं। P से F तक के दूरी हो गया फोकस दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे PF बराबर हो गया फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है प्यारे बच्चों वह ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस में लिख लेंगे। देखिए क्या है, पी ए डैश तक, यहाँ से पी से ए डैश तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो यहाँ से लिख देंगे पी ए डैश बराबर है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते, तो ये माइनस भी हो जाएगा। ओके और देखिए यहाँ पे P और C, P से लेकर के C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ओके कर्वेचर रेडियस, P PC जो है आपका
रेडियस हो गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, आर हो गया, त्रिज्या आर। तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि यह अवतल दर्पण है, और माइनस आर को लिख सकते हैं -2f, क्योंकि वक्र त्रिज्या के दुगुना होता है, फोकस क्या होता है, वक्र त्रिज्या के दुगुना होता है। ओके, वक्र त्रिज्या जो होता है फोकस के दुगुना होता है, इसलिए -2f लिख दिए। अब चलिए यहां से यहां तक, P से लेकर के A तक क्या हो गया, वस्तु दूरी u से सूचित करते हैं। PA बराबर हो जाएगा वस्तु दूरी यानी कि u, यह भी तो माइनस में होगा। ओके चलिए, इतना चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ से प्रमाण स्टार्ट करते हैं, इसका लिखेंगे, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे सबसे पहले, इस वाले त्रिभुज और ये वाला, देखिए कौन सा त्रिभुज में, इस तरह से ABC त्रिभुज बना है, देखिए ये वाला, इसमें क्या है, ए लंब हो गया, इसी तरह ए डैश बी डैश सी में, देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या लंबा है, तो ए डैश लंबा है, और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, किस कोण से, सम्मुख कोण से। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, एबीसी, और त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में क्या क्या चीज है, तो देखिए कोण ए बराबर कोण ए डैश बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है। और फिर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि कोण सी जो है कोण सी के बराबर है, एकांतर कोण से, कोण सी बराबर कोण सी, एकांतर कोण लिख लीजिएगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी, एकांतर कोण से। तो ये चीज हो गया। अब चलिए यहाँ पे दो ठो एंगल एंगल समरूपता का नियम लगाएंगे, इसमें होता क्या है, देखिए अगर दो को कोण बराबर आता है तो तीसरे का कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी कि कोण बी डैश कोण बी के बराबर हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे लगाएंगे इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ओके ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी के। इसलिए अब देखिए यहाँ पर जब ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया, तो यहाँ पे जो अनुपात होता है वह भी बराबर हो जाता है इस वाला, चलिए अनुपात यहाँ से निकालते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए सी बटा ए डैश सी लिखेंगे, तो यहाँ से अनुपात भी हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ से ए बी बटा क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी हो जाएगा, ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात के बराबर, ए सी बटा ए डैश सी। ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज में, लगभग आधा काम समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा और है। देखिए अब बड़े का त्रिभुज कौन है, ए बी पी है, ओके ए बी पी में, ऐसे देखिए ये वाला त्रिभुज है सबसे पूरा के पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ए बी पी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके और इसी तरह ये वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज देखिए ये वाला, यहाँ पे ऐसे ए डैश बी डैश पी में ऐसे ये वाला त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए, ये वाला कोण जो है आपतन कोण आई हो गया और ये परावर्तन कोण आर हो गया, है कि नहीं, देखिए किरण आई है वस्तु से निकलकर दर्पण से टकराने के बाद में वापस चली गई है लौटकर, तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और यहाँ पे देखिएगा इस वाला में, तो ये तो लंब है, लाइए है कोण ए, और कोण ए डैश भी इसमें क्या है, तो लंब है कि नहीं, देखिए ये वाला त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी में ये वाला में। ओके तो दो को कोण बराबर हो गया, ये भी समरूप हो जाएंगे, तो चलिए लिखते हैं पुनः त्रिभुज किसमें, तो ए बी पी त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। ओके तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बराबर कितना, 90 डिग्री, ये तो लंब है आपका। अब इसमें देखिएगा तो कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, यह तो आप लोगों को पता है परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ओके तो चलिए दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे इसीलिए यहां पर लिख देते हैं, यहां पे लिख दे, चलिए यहीं पे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जगह की कमी है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, चलिए यहां पे लिखते हैं, लिखेंगे इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से
एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीपी, त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ये चीज हो गया ए डैश बी डैश सी के समरूप हो जाएगा। अब चलिए यहां से हम लोग इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ से इसका भी अनुपात रखेंगे, ए बी वाटा ए डैश बी डैश, ए बी वाटा ए डैश बी डैश, फिर इसमें आ जाइए नीचे वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ए पी वाटा ए डैश पी, ए पी वाटा ए डैश पी, देखिए इस वाले बड़ का त्रिभुज में पूरा ए पी और इसका छोटा त्रिभुज में ए डैश पी। ओके समीकरण सेकेंड, अब लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और समीकरण आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम इसी तरह शॉर्ट में लिखते हैं मैथ के भाषा में, समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। तो समीकरण एक में देखिएगा ए बी वाटा ए डैश बी डैश, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का देखिए, ए बी वाटा ए डैश बी डैश और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड जो है ए बी वाटा ए डैश बी डैश है, मतलब वाम पक्ष जो है इसका बराबर है तो दाया पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये जो है ए सी वाटा ए डैश सी इसके बराबर हो जाएगा। समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, ए सी वाटा ए डैश सी, ए सी बाटा ए डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, एपी बाटा, एपी बाटा चलिए यहाँ पे एपी बाटा हो जाएगा ए डैश पी के। ये चीज हो गया, आइए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाला है, मान रखने से पहले क्या क्या दिया है, देखिए पी एफ दिया है, एपी दिया है, पी ए यानी कि इसी को अगर सीधा लिख दिया जाए तो एपी है, या एपी है। ओके चलिए यहां से यहां तक हो गया। ओके अब देखिएगा तो इसमें क्या है, एपी दिया है और ए पी डैश दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है तो मान रखने से पहले यहाँ पे एक चीज समझना होगा, ए डैश पी का मान दिया है, पी एफ दिया है, उसके बाद में पी सी दिया है और पी ए दिया है, क्या नहीं दिया है उसको हम लोगों को बदलना होगा। तो एसी तो दिया नहीं है इसमें, एसी दिया है क्या, नहीं दिया है। चलिए तो इस वाले साइड को बदलना होगा, एपी दिया है ए डैश पी दिया है, इस वाला साइड का कोई भी मान हमको नहीं दिया है तो इसको बदलना होगा। कैसे चेंज करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए, यह समझ गया तो आपको आ गया सिद्ध करने। देखिए कैसे, एसी ए और सी यहाँ तक, ए और सी, ए और सी एसी है यहां से लेकर यहां तक। ओके तो इतना निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पूरा में से इतना को घटा देंगे, मतलब एसी निकालने के लिए एपी में से पीसी को घटा देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले पूरा दूरी लीजिए, एपी, एपी जो है किससे मिलकर बना है, एपी जो है किससे मिलकर बना है, ध्यान से देखिए, एसी प्लस पीसी, एसी प्लस पीसी इससे मिलकर के बना हुआ है। ओके तो चलिए देखिए यह जो पूरा दूरी है एपी किससे बना है, एसी प्लस पीसी, इतना प्लस इतना। ओके तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे हम लोगों को चाहिए यहाँ पे क्या चीज, एसी चाहिए, तो एसी को इधर रोक लीजिए, एसी जो है इसको रोक लेंगे, पीसी है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे पीसी, माइनस में लिख लेंगे पीसी, तो एसी बराबर क्या आ गया, एपी माइनस पीसी, यानी कि एसी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी माइनस पीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे एसी के जगह पर एपी माइनस के पीसी, और देखिए यहाँ पे बटा में क्या है, तो ए डैश सी है, ए डैश सी है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को आगे क्या करना है, ए डैश सी इतना निकालने के लिए पूरा दूरी में से पीसी में से ए डैश पी को घटाना होगा। देखिए कैसे, पीसी बराबर होता है पीसी पूरा दूरी, यहाँ से सी से लेकर पी तक की दूरी को देखिएगा तो टोटल दूरी हो गया, यहाँ से ए डैश सी, ए डैश सी प्लस ए डैश पी, देखिए जो आपका पीसी है कैसे बना, ए डैश सी प्लस ए डैश पी इतना प्लस इतना से जो है पीसी बना है, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, उसको रोक लेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है ए डैश सी निकालना है। ओके तो चलिए यहाँ से ए डैश सी को हम लोगों को रोक लेते हैं, ए डैश सी को रोकते हैं, ए डैश पी है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे ए डैश सी को। ओके तो ए डैश सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं पीसी माइनस ए डैश पी। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं पीसी माइनस ए डैश पी। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर क्या है तो एपी बटा में है ए डैश पी है। ओके अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं सभी का, एपी
देखिए एपी या पी है, इसको सीधा करके लिख लीजिए। एपी, एपी का मान क्या है? तो माइनस यू है, माइनस यू रखेंगे, माइनस पीसी, तो पीसी के मान देखिए माइनस टू एफ है, तो यहाँ पे माइनस टू एफ रख देंगे, कोष्ट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। और पीसी, पीसी के मान देखिए माइनस टू एफ है, चलिए माइनस टू एफ रखते हैं यहाँ पे। फिर माइनस ए डैश पी, तो ए डैश पी का मान देखिए, ए डैश पी का मान माइनस भी है, तो माइनस भी को कोष्ट में रखेंगे। ओके, आगे देखिए एपी है, तो एपी का मान क्या है? तो एपी का मान माइनस यू है, तो माइनस यू रख देंगे। और ए डैश पी, तो ए डैश पी का मान कितना है? देखिए माइनस भी है, तो माइनस भी रख देंगे यहाँ पे। अब देखिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को। माइनस भी से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। माइनस यू, माइनस माइनस प्लस टू एफ, और बटा माइनस टू एफ, माइनस माइनस प्लस भी बराबर यू बटा भी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ से। इससे दोनों में गुना, फिर यू से दोनों में गुना, तो भी में यू से गुना माइनस यू भी, फिर प्लस भी में टू एफ से गुना, टू एफ भी हो जाएगा, टू एफ भी हो गया यहाँ से, बराबर यू से दोनों में गुना करना है। अब तो यू से टू एफ में माइनस टू एफ यू, फिर प्लस यू में भी से, तो यू भी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करेंगे। यू भी है, ओके, इधर भी यू भी है, तो यू भी है प्लस में और यू भी है माइनस में, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इधर इसको उधर भेज देते हैं। इधर क्या है? टू एफ भी है, और ये वाला जो है माइनस टू एफ यू है, माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा, प्लस में टू एफ यू। ओके, देखिए टू एफ भी को उतार दी है, माइनस में है टू एफ यू, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, और माइनस यू भी है बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में यू भी, तो प्लस में लिख लेते हैं यू भी, और पहले से एगो यू भी है, तो लिख दिए इसको। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें चलिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ये करना होगा, टू एफ भी प्लस टू एफ यू बराबर, यहाँ पर देखिएगा तो यू भी प्लस यू भी, एगो यू भी एगो यू भी, टू यू भी हो गया। ओके, और फिर यहीं पे हम लोग थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो दो कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बच गया? एफ भी प्लस एफ यू, दो तो बाहर निकल चुका है, तो दो से दो कट जाएगा, तो आपका आ गया यहाँ पे एफ भी प्लस एफ यू बराबर यू भी, इतना आ गया। तो अभी आपका आंसर नहीं आया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, दर्पण सूत्र में क्या होता है, आप लोग याद कीजिए, वन बटा यू प्लस वन बटा भी बराबर वन बटा एफ, यही फार्मूला होता है। ओके, तो देखिए यू भी एफ है, तो इसमें क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे दोनों पक्ष में। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर, देने पर, तो आइए हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे। तो एफ यू, एफ भी यहाँ पे उतार लेते हैं, एफ भी प्लस एफ यू बराबर है यू भी, चलिए भाग देते हैं। अब एफ यू भी से भाग देना है यू भी एफ से, तो चलिए यू भी एफ, इसके भी बटा में यू भी एफ लिखेंगे, यू भी एफ फिर बराबर है, चलिए यहाँ पे बराबर को बीच में लिखते हैं, प्लस को बीच में लिखते हैं। इधर क्या है? तो देखिए यू भी है, यू भी इसमें भी भाग देंगे यू भी एफ से, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी से भी कट जाएगा, ओके, एफ से एफ कट जाएगा एक मरतबे, यहाँ पे एफ से एफ कट गया, फिर यू से यू कट जाएगा एक मरतबे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए यू भी से यू भी कट जाएगा एक मरतबे। अब क्या बच गया आपका? तो देखिए यहाँ पे ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया यू, फिर प्लस ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया भी, और बराबर ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया एफ, तो यही तो फार्मूला है आपका, या आपका आ गया दर्पण सूत्र प्रूफ। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में एफ बराबर आर बाई टू उसको सिद्ध करने वाले हैं।